रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस, और इसी के साथ हमने पढ़ लिया है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। सो रेस्पिरेशन वाला कॉन्सेप्ट हो जाता है कंप्लीट। अब आते हैं नेक्स्ट वाला कॉन्सेप्ट ट्रांसपोर्टेशन पर। ट्रांसपोर्टेशन इसको स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पेज से। सो यहाँ पर है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन का बिल्कुल सिंपल सा मीनिंग होता है किसी भी सब्सटेंस का एक जगह से दूसरी जगह मूव करना, यही इसकी डेफिनेशन हो जाएगी। आगे आते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस। ह्यूमंस में सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्टेशन किस तरह से होता है ये समझ लेते हैं। सो यहाँ पर है ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू इन ह्यूमंस, इट ट्रांसपोर्ट नेसेसरी सब्सटेंस टू सेल्स एंड ट्रांसपोर्ट मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट अवे फ्रॉम दोज सेम सेल्स। ह्यूमंस में ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू होता है जो सभी नेसेसरी यानी कि जरूरत के सब्सटेंसेस को सेल्स तक पहुंचाता है, और इसके साथ ही जो सेल्स में मेटाबॉलिक वेस्ट होता है, जो सेल्स में वेस्ट प्रोडक्ट होता है, उसको भी ये उन सेल्स से बाहर निकालता है। यानी हम सिंपली कह सकते हैं ह्यूमंस में ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है ब्लड। इसमें आगे दिया है द मेन कंपोनेंट ऑफ ब्लड। ब्लड के मेन कंपोनेंट क्या क्या होते हैं। सो यहाँ पर दिए गए हैं हमें, इसमें सबसे पहले है प्लाज्मा, उसके बाद RBC यानी कि रेड ब्लड सेल्स, उसके बाद प्लेटलेट्स एंड देन व्हाइट ब्लड सेल्स जिसे WBC भी कह सकते हैं। सो इन चारों ब्लड कंपोनेंट के बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं प्लाज्मा के बारे में। इसमें हमें दिया है इट इज येलो कलर फ्लूड, इट ट्रांसपोर्ट फूड, CO2, वेस्ट प्रोडक्ट एक्सेट्रा। प्लाज्मा जो कि ब्लड का एक कंपोनेंट होता है, ये एक येलो कलर का फ्लूड होता है। ये फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करता है, इसके अलावा ये वेस्ट प्रोडक्ट्स को भी ट्रांसपोर्ट करता है एक जगह से दूसरी जगह, इन तीनों चीजों को ये पहुंचाता है। आगे है रेड ब्लड सेल्स, इसको हम कह सकते हैं RBC यानी कि रेड ब्लड सेल्स। ये क्या करते हैं, इट कंटेन हेमोग्लोबिन विच ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन। जो रेड ब्लड सेल्स यानी RBC हैं, इनमें होता है हेमोग्लोबिन, और हेमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन को। नेक्स्ट है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या करते हैं, दीज हेल्प इन ब्लड क्लोटिंग। प्लेटलेट्स का काम होता है ब्लड को क्लोट करना यानी कि जमा देना। जब हमें कहीं पर चोट लग जाती है, कहीं पर हमारी बॉडी में कट लग जाता है, तो ब्लड वहां से फ्लो, ब्लड लूज ना हो सके हमारी बॉडी से, इसलिए वहां पर ब्लड क्लोट हो जाता है। और ये काम किसका होता है, प्लेटलेट्स का। प्लेटलेट्स ब्लड को क्लोट कर देती हैं यानी जमा देती हैं, क्योंकि बॉडी से अगर ब्लड लूज हो गया तो वो सीरियस कंडीशन हो सकती है किसी भी ह्यूमन के लिए। नेक्स्ट है व्हाइट ब्लड सेल्स, इन्हें हम कह सकते हैं WBC यानी व्हाइट ब्लड सेल्स। इनके बारे में दिया है दीज सेल्स फाइट अगेंस्ट हार्मफुल बैक्टीरिया वायरसेस एंड जर्म्स। जो व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, ये हमारी बॉडी में जो भी हार्मफुल यानी कि हानिकारक बैक्टीरिया वायरस और जर्म्स होते हैं, इनसे ये फाइट करते हैं। ये हमारे इम्यूनिटी सिस्टम यानी प्रतिरोधी क्षमता, इम्यूनिटी सिस्टम को ये बनाते हैं। सो ये थे ब्लड के चारों कंपोनेंट और उन सभी के फंक्शंस। अब आप सोचिए, ब्लड एक फ्लूड है, लिक्विड की तरह है, क्या वो हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं, जो हमारी नसें हैं, उनमें अपने आप से फ्लो करेगा। सिंपल सी बात है, ब्लड को फ्लो करने के लिए या तो प्रेशर की जरूरत होगी या फिर जरूरत होगी किसी एक पंप की। सो यहाँ पर दिया है द हार्ट पंप्स द ब्लड थ्रू द ब्लड वेसल्स। ह्यूमंस में हार्ट ब्लड को पंप करता है हमारी ब्लड वेसल्स में। अब हार्ट के बारे में गाइज पढ़ लेते हैं नेक्स्ट पेज पर, बिल्कुल डिटेल में समझेंगे। सो हार्ट के बारे में समझ लेते हैं। यहाँ पर हार्ट का डायग्राम भी लिया है हमने बुक में से ही, इसको भी समझेंगे, डायग्राम से भी समझेंगे, पहले पढ़ लेते हैं। सो यहाँ पर दिया है हार्ट इज अ मस्कुलर ऑर्गन, इट हैव टू साइड सेपरेटेड बाय मस्कुलर वॉल, इट हैव फोर चैम्बर्स, लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल एंड राइट वेंट्रिकल। हार्ट हमारी बॉडी में एक मस्कुलर ऑर्गन होता है, इसकी दो साइड्स होती हैं जो मस्कुलर वॉल से सेपरेट होती हैं। डायग्राम से समझते हैं, ये वाली साइड है लेफ्ट साइड और ये वाली साइड है राइट साइड, दो साइड हो गई, लेफ्ट साइड राइट साइड, इन दोनों को सेपरेट किया जाता है एक मस्कुलर वॉल से। ये वाली जो वॉल है ये सेपरेट करती है इन दोनों साइड्स को, इन्हें डिवाइडिंग वॉल भी कहा जाता है। इसके अलावा हार्ट के चार चैम्बर्स भी होते हैं, लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल। डायग्राम से समझ लेते हैं, ये वाली साइड है राइट साइड,
राइट साइड में अपर पार्ट जो है ये है राइट एट्रियम, और जो लोअर पार्ट है ये वाला चैम्बर है ये है राइट वेंट्रिकल। दो चैम्बर है राइट साइड में, एक राइट एट्रियम और एक राइट वेंट्रिकल। बिल्कुल इसी तरह से लेफ्ट साइड में भी दो चैम्बर्स हैं, ऊपर वाला जो है वो हो जाएगा लेफ्ट एट्रियम और जो नीचे वाला है ये हो जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल। जो नीचे वाले चैम्बर्स हैं वो होते हैं वेंट्रिकल, लेफ्ट राइट आप लगा देना उनके साथ, और जो ऊपर वाले चैम्बर्स होते हैं वो होते हैं एट्रियम। जो ऊपर और नीचे ये चैम्बर्स हैं एट्रियम और वेंट्रिकल, इनके बीच में होती है गाइस ये वाल्व होती है जिससे इस वाले अपर एट्रियम से ब्लड आता है इस वाल्व के थ्रू वेंट्रिकल में। बिल्कुल इसी तरह से ये वाला एट्रियम है लेफ्ट एट्रियम, यहाँ पर भी ये वाल्व है, इस वाल्व के थ्रू आता है लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड। सो ये थी हार्ट की डेफिनेशन जिसमें हार्ट को डिस्क्राइब किया गया था। अब बात करते हैं हाउ हार्ट वर्क्स, हार्ट काम किस तरह से करता है। सो यहाँ पर दिया है डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कम्स फ्रॉम बॉडी टू राइट एट्रियम। डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि वो ब्लड जो कार्बन डाइऑक्साइड कैरी करता है, ऑक्सीजन कैरी नहीं करता है, वो ब्लड हमारी बॉडी से राइट एट्रियम में आता है। डायग्राम में देखते हैं, देखो यहाँ पर है वेना कैवा, ये हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं। इस ब्लड वेना कैवा, इस ब्लड वेसल्स से हमारे लोअर बॉडी का जो ब्लड होता है वो राइट एट्रियम में आ जाता है, और इस वेना कैवा से इससे हमारी अपर बॉडी पार्ट का जो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो राइट एट्रियम में आ जाता है। इसके बाद क्या होता है देखते हैं, विच देन पम्प्ड टू यूर लंग्स बाय राइट वेंट्रिकल थ्रू आर्टरीज। राइट एट्रियम में जो ब्लड आया है उसको पंप कर दिया जाता है राइट वेंट्रिकल से हमारी आर्टरीज में। राइट एट्रियम में जो ब्लड आया था वो इस वाल्व के थ्रू राइट वेंट्रिकल में आएगा। जब हार्ट नीचे से एक्सपेंड करेगा, जब ये फैलेगा, तो इस यहाँ पर जो ब्लड है वो इस वाल्व के थ्रू यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद हार्ट फिर से क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्शन करेगा, नीचे से सिकुड़ेगा। सिकुड़ने पर ये वाल्व जो है ये बंद हो जाती है। जो यहाँ पर ब्लड होता है वो पंप कर दिया जाता है बाद में जो आर्टरीज होती हैं। यहाँ पर जो ब्लड होता है वो पंप कर दिया जाता है लंग्स को, हमारी लंग्स के पास उसे पहुंचा दिया जाता है इस पाथ से हमारी आर्टरीज के थ्रू। सो राइट वेंट्रिकल ने ब्लड को पंप कर दिया लंग्स यानी कि फेफड़ों के पास। अब क्या होगा, वेयर इट ड्रॉप कार्बन डाइऑक्साइड एंड कैरी ऑक्सीजन। लंग्स में ब्लड जाएगा, वहां पर गैसेस का एक्सचेंज कर देगा, कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स में ड्रॉप कर देगा और वहां से कैरी कर लेगा ऑक्सीजन। जो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड था अब वो हो गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्योंकि उसने ऑक्सीजन को कैरी कर लिया और कार्बन डाइऑक्साइड को ड्रॉप कर दिया लंग्स में। अब आगे क्या होगा, देन ऑक्सीजनेटेड ब्लड कम्स टू लेफ्ट एट्रियम थ्रो वेन्स विच देन पम्प्ड टू योर बॉडी पार्ट्स बाय लेफ्ट वेंट्रिकल थ्रो एओर्टा। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम में एंट्री करेगा वेन्स के थ्रू। इस साइड में ये है वेन्स, इन वेन्स से यहाँ पर ये ब्लड एंट्री करेगा लेफ्ट एट्रियम में। उसके बाद जो ब्लड लेफ्ट एट्रियम में आया है उसको पंप कर दिया जाता है हमारे सभी बॉडी पार्ट्स तक लेफ्ट वेंट्रिकल द्वारा एओर्टा के थ्रू। सिंपली इसे डायग्राम से समझते हैं, लेफ्ट एट्रियम में लंग्स से लेफ्ट एट्रियम में वेन्स की हेल्प से ब्लड एंट्री करता है, यहाँ पर ब्लड पहुंच गया। अब हमारा हार्ट नीचे से एक्सपेंड करेगा, फैलेगा, तो यहाँ पर जो ब्लड है वो एंट्री ले लेगा, लेफ्ट एट्रियम से एंट्री ले लेगा इस वाल्व के थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल में। यहाँ पर ब्लड जब आ जाएगा उसके बाद हार्ट हो जाएगा कॉन्ट्रैक्शन करेगा हार्ट यानी सिकुड़ेगा। सिकुड़ने पर ये वाली वाल्व बंद हो जाएगी तो ब्लड इस ओर्टा इस ओर्टा के थ्रू हमारे सभी बॉडी पार्ट्स में पहुंचा दिया जाता है, सभी सेल्स तक। हार्ट किस तरह से काम करता है इसका थोड़ा सा और डिटेल एक्सप्लेनेशन दे देता हूं नेक्स्ट पेज पर। हार्ट किस तरह से वर्क करता है इसकी एक इजी सी एक्सप्लेनेशन देता हूं इस डायग्राम की हेल्प से। सो ये है हमारा हार्ट, ये है हमारी बॉडी, हमारी बॉडी से डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड वेना कैवा से पहुंचता है हमारे हार्ट में, हमारे हार्ट के अपर राइट एट्रियम में पहुंचता है, उसके बाद पहुंचता है ये राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल इसे पंप कर देता है पुलमोनरी आर्टरीज के थ्रू लंग्स में। लंग्स में ये ब्लड जाके कार्बन डाइऑक्साइड ड्रॉप कर देता है, ऑक्सीजन कैरी कर लेता है। उसके बाद ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है हमारे इस हार्ट के इस अपर पार्ट में, लेफ्ट वाले अपर पार्ट में जो है लेफ्ट एट्रियम में आता है। उसके बाद आता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल में आने के बाद लेफ्ट वेंट्रिकल इसे पंप कर देता है हमारे दोबारा से बॉडी सेल्स में।
एओर्टा के थ्रू। उसके बाद फिर से यही प्रोसेस होता है, हमारी बॉडी ऑक्सीजन को कंज्यूम करती है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करती है, फिर से कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेना कैवा के थ्रू हार्ट में जाता है, हार्ट से वो ब्लड, हार्ट उस ब्लड को पंप कर देता है लंग्स में, लंग्स के लंग्स से ऑक्सीजन कैरी करके ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो आ जाता है फिर से हार्ट में, हार्ट उसे पंप कर देता है फिर से हमारी बॉडी के सभी पार्ट्स में। सो इसके बाद हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स वो होती हैं जिनमें ब्लड ट्रैवल करता है, फ्लो करता है, पाइपिंग सिस्टम होता है हमारी बॉडी का ये। सो ब्लड वेसल्स दो तरह की होती हैं, आर्टरीज और वेन्स। दोनों को एक एक करके समझ लेते हैं, पहले आर्टरीज को समझते हैं। सो यहाँ पर दिया है दीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू बॉडी पार्ट्स एक्सेप्ट पुलमोनरी आर्टरी, दीज आर थिक एंड इलास्टिक, द स्मॉलर वेसल विच आर वन सेल थिक आर कॉल्ड कैपिलरीज। जो भी आर्टरीज होती हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से कैरी करती हैं, सभी बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाती हैं। यहाँ पर एक्सेप्शन रखा गया है, जो पुलमोनरी आर्टरी है सिर्फ ये ऐसी आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, इसके अलावा जो भी आर्टरीज हैं वो सभी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं और सभी बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाती हैं। इसी में आगे दिया है थिक एंड इलास्टिक, जो भी आर्टरीज हैं वो थिक होती हैं और इलास्टिक होती हैं। इलास्टिक यानी कि ये इजीली बैंड हो सकती हैं। इसके बाद यहाँ पर दिया गया है कैपिलरीज के बारे में, ऐसी आर्टरीज जो वन सेल थिक होती हैं, जिनकी मोटाई एक सेल जितनी होती है, उन आर्टरीज को कहा जाता है कैपिलरीज। ये बहुत फाइन होती हैं, बहुत बारीक होती हैं कैपिलरीज हमारी बॉडी में। सो बिल्कुल सिंपल, आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं, ये थिक होती हैं, इलास्टिक होती हैं, और ऐसी आर्टरीज जो वन सेल थिक, एक सेल जितनी मोटी होती हैं, उन्हें कैपिलरीज कहा जाता है। सो ये हो गया आर्टरीज के बारे में। आगे है वेन्स, ये क्या होती हैं? वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम बॉडी पार्ट टू हार्ट एक्सेप्ट पुलमोनरी वेन, दीज आर थिन एंड लेस इलास्टिक। वेन्स का काम होता है हमारे बॉडी पार्ट्स में जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको कैरी करना। इसमें भी एक एक्सेप्शन रखा गया है, जो पुलमोनरी वेन है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, इसके अलावा जितने भी वेन्स हैं वो सभी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं। वेन्स के बारे में और भी दिया गया है थिन एंड लेस इलास्टिक। वेन्स जो है ये थिन यानी कि पतली होती हैं और लेस कम इलास्टिक होती हैं, यानी इन्हें फोल्ड इजीली नहीं किया जा सकता है एज कंपेयर टू आर्टरीज। सो दो तरह की ब्लड वेसल्स, आर्टरीज और वेन्स, इनमें फ्लो होता है ब्लड। यहां पर दिया है लिम्फ। लिम्फ भी एक ट्रांसपोर्टर होता है, इसके बारे में पढ़ते हैं। दिस इज ऑल्सो ए ट्रांसपोर्टर फ्लूड, द पोर्स प्रेजेंट इन द वॉल्स ऑफ कैपिलरीज, सम अमाउंट ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन्स एंड ब्लड सेल्स एस्केप इनटू इंटरसेलुलर स्पेस इन द टिश्यू टू फॉर्म द लिम्फ। ब्लड के अलावा हमारी बॉडी में एक और ट्रांसपोर्टर होता है जिसे कहते हैं लिम्फ। ये बनता कैसे है? सो जो हमारी कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज होती हैं, उसमें पोर्स होते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे बारीक बारीक उसमें छेद होते हैं। उन छेद से कुछ प्लाज्मा प्रोटीन और ब्लड सेल्स एस्केप कर जाते हैं, निकल जाते हैं इंटर सेलुलर स्पेस में। जो दो सेल के बीच में खाली जगह होती है वहां पर वो एस्केप कर जाते हैं प्लाज्मा प्रोटीन और ब्लड सेल्स किसी भी टिश्यू में और बनाते हैं लिम्फ। इस तरह से कई सारे सेल्स हैं, उनके बीच में जो भी ये खाली जगह है, इस खाली जगह में पहुंच जाते हैं ये तीनों चीजें, प्लाज्मा प्रोटीन और ब्लड सेल्स, कैपिलरीज से लीक होकर या फिर कह सकते हैं इन छोटे छोटे बारीक पोर्स से निकलकर इस इंटरसेलुलर में पहुंच जाते हैं और बनाते हैं लिम्फ। इसके बारे में कुछ पॉइंट भी दिए हैं, इन्हें देखते हैं। इसमें फर्स्ट है इट इज कलरलेस, ये कलरलेस होता है, इसका कोई भी कलर नहीं होता है। सेकंड है लिम्फ एब्जॉर्ब्स एंड ट्रांसपोर्ट फैट फ्रॉम इंटेस्टाइन। लिम्फ काम क्या करता है? ये एब्जॉर्ब करता है और ट्रांसपोर्ट करता है फैट को, ये हमारे इंटेस्टाइन से फैट को एब्जॉर्ब करता है और उसे बॉडी पार्ट्स तक ट्रांसपोर्ट भी करता है। इसके बाद लास्ट पॉइंट दिया है इट ड्रेन अवे द एक्सेस टिश्यू मेटाबॉलिज्म, जो टिश्यू में मेटाबॉलिज्म होता है, एक्सेस मेटाबॉलिज्म यानी कि एक तरह से वेस्ट प्रोडक्ट जो होता है टिश्यू के अंदर, उसे भी ये ड्रेन करता है यानी कि रिमूव कर देता है, वहां से हटा देता है जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है। सो ये था हमारा लिम्फ, एक और ट्रांसपोर्टर जो हमारी बॉडी में होता है ब्लड के अलावा। इसी के साथ गाइस हमारा ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस ये वाला कॉन्सेप्ट हो जाता है कंप्लीट। अब नेक्स्ट पेज पर देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट किस तरह से होता है।
ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, यहाँ पर दिया है देर आर टू ट्रांसपोर्टर टिश्यू इन प्लांट्स। प्लांट्स में टिश्यूज करते हैं ट्रांसपोर्टेशन का काम, दो टिश्यू होते हैं जो ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। पहला है इसमें जाइलम, दूसरा है फ्लोएम। इन दोनों के बारे में आपने क्लास नाइन्थ में भी पढ़ा होगा। सो दोनों को एक एक करके समझते हैं। पहले देखते हैं जाइलम को, इसमें फर्स्ट पॉइंट दिया है इट ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स इन अपवर्ड डायरेक्शन फ्रॉम रूट्स टू हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द प्लांट। जाइलम टिश्यू वाटर और वाटर में डिजोल्व मिनरल्स को ये अपवर्ड डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट करता है। अपवर्ड डायरेक्शन यानी कि रूट्स से हाईएस्ट पॉइंट जो होता है प्लांट का, वहां पर जड़ों से प्लांट की लीव्स तक ये ट्रांसपोर्ट करता है इन दोनों चीजों को। ये सिर्फ वाटर और वाटर में डिजोल्व मिनरल्स, इन दोनों चीजों को ये ट्रांसपोर्ट करता है, इसके अलावा कुछ भी ट्रांसपोर्ट नहीं करता है। सेकेंड पॉइंट है इट ओनली ट्रांसपोर्ट अपवर्ड्स। जाइलम टिश्यू ट्रांसपोर्टेशन सिर्फ एक डायरेक्शन में करता है, यूनिट डायरेक्शन ट्रांसपोर्टेशन होता है ये, सिर्फ अपवर्ड डायरेक्शन में, नीचे से ऊपर की ओर। आगे थर्ड पॉइंट दिया है इट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसपीरेशन। जाइलम टिश्यू ट्रांसपीरेशन नियम के तहत काम करता है, किसी भी चीज को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है। अब ट्रांसपीरेशन क्या है यहाँ पर दिया गया है, इसको बाद में पढ़ेंगे, पहले देखते हैं फ्लोएम के बारे में। सो फ्लोएम में फर्स्ट पॉइंट दिया है इट ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट करता है फूड को लीव्स, फूड कहां पर प्रिपेयर होता है प्लांट में, लीव्स यानी कि पत्तों में, पत्तों से ये फूड को ट्रांसपोर्ट करता है प्लांट के सभी पार्ट तक। सेकेंड पॉइंट है इट कैन ट्रांसपोर्ट अपवर्ड एज वेल एज डाउनवर्ड। फ्लोएम टिश्यू दोनों डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट कर सकता है, अपवर्ड यानी कि ऊपर की ओर भी और डाउनवर्ड यानी कि नीचे की ओर भी, दोनों डायरेक्शंस में ये फूड को ट्रांसपोर्ट कर सकता है। थर्ड पॉइंट है ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। जो फूड का ट्रांसपोर्ट करते हैं लीव्स से प्लांट के अदर पार्ट्स में, उस प्रोसेस को कहा जाता है ट्रांसलोकेशन। अब आते हैं ट्रांसपीरेशन प्रोसेस पर। ट्रांसपीरेशन प्रोसेस क्या होता है, इट इज द प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ वाटर एज वेपर फ्रॉम एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ट्रांसपीरेशन ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें प्लांट वाटर को लूज करता है वेपर की फॉर्म में, जो प्लांट का अपर पार्ट एरियल पार्ट यानी कि ऊपर वाला पार्ट होता है वहां से। इस प्रोसेस में जो लीव्स होती हैं वो एक वैक्यूम क्रिएट करती हैं जिससे वाटर ऊपर की तरफ फ्लो करता है और लीव्स के स्टोमेटा से वो वेपर बनके प्लांट से बाहर निकल जाता है। इसी प्रिंसिपल यानी कि नियम पर काम करता है जाइलम टिश्यू। सो इसी के साथ हमारा ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स ये वाला कॉन्सेप्ट हो जाता है कंप्लीट। लाइफ प्रोसेसेस में अब तक हमने इन चारों में से न्यूट्रिशन कंप्लीट कर लिया, रेस्पिरेशन कंप्लीट कर लिया और अभी अभी कंप्लीट हुआ है हमारा ट्रांसपोर्टेशन।